हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ यस क्रिस्टाउन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज कान पट्टी लेकर आई हूँ। जो बच्चे अपनी मम्मी इसको बहुत परेशान करते हैं स्कूल जाते हुए, कुर टॉपा वगैरह कैप नहीं पहनते हैं, ये स्पेशली उनके लिए तैयार की गई है पट्टी। देखिए ये स्ट्रेचेबल है, ईजिली है, बच्चों को फिट हो जाती है, किसी भी साइज़ का बच्चा हो, छोटे बड़े। और जब ये पहन लेंगे तो इससे ना बाल ख़राब भी नहीं होंगे। बाल ख़राब होते तो बच्चे कैप ओढ़ना पसंद नहीं करते। ये स्ट्रेच वाले हैं, बड़े लड़के हेलमेट के नीचे भी पहन सकते हैं। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ये पट्टी कैसे बुने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम ऊन कैसे डबल करेंगे, मेरी निकाल लेंगे और की सिलाई पे हम फंदा डालना स्टार्ट करेंगे। इसी देखिए, 2, 3, 4 5, इसी तरह आप 30 फंदे डाल लेंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 30 फंदे डाल लिए हैं और अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे, इससे हमारे फंदे उधड़ेंगे नहीं और एक स्लाइस में से हम खींच लेंगे। देखिए अब हम 10 नंबर की सिलाई से इसकी सीधी सिलाई बुनेंगे। इसी तरह आप इस सिलाई को कंप्लीट बुन लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई पर आ गए हैं। अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और ऊन को ऐसे घुमाएंगे और सीधा फंदा बुनेंगे। और इस सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए हैं। अब तीसरी सिलाई पे भी हम पहले ये फंदा उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे और सीधा बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपको सारी सिलाइयाँ ऐसे ही बुननी है। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह 148 सिलाइयाँ बुननी है। हमने ये 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अब आपको जो है 146 सिलाइयाँ बुननी है। और आपको जब आप पहला फंदा उतारेंगे ना, इसी तरह घुमा के उतारना और ऊन घुमा के ही दूसरा फंदा बुनना, जिससे ये फली वाला डिज़ाइन आए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 148 सिलाइयाँ बुन ली हैं। अगर आपको ये सिलाइयाँ काउंट करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसकी 74 रोज़ ऐसे गिन लीजिएगा। ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिख रही है ना, ये ऐसे ये 74 गिन लीजिएगा। ये 74 में 148 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बंद कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी ऐसे जा रही है ना, हम इधर से ये फंदा उठाने स्टार्ट करेंगे। देख रहे हैं ना आप, ये इन्हीं फंदों को हम उठा लेंगे। 30 फंदे उठाने हैं हमें इसी तरह। आप ऐसे ही 30 फंदे उठा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने 30 फंदे उठा लिए। एक फंदे में से एक ही फंदा उठाना है आपको। अब हम इन दोनों सिलाई को ऐसे करेंगे। हम इस वाली सिलाई का एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई पर रख देंगे और 2 का एक कर देंगे। देखिए फिर इस फंदे की वाली सिलाई पर रखेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस फंदे को इस वाली सिलाई पर रखेंगे और 2 का एक कर देंगे। इसी तरह ये आपको सारे फंदे बंद कर लेने हैं।
लूज़ बंद करिएगा इनको, टाइट अगर बंद करेंगे आप तो ये बीच में से ख़राब हो जाएगा। जिस तरह आपने सिलाई बुनी है नॉर्मली उसी तरह बंद करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं, अब इस लास्ट फंदे को हम लॉक कर देंगे। देखिए और ये जो हमारी ऊन है इसे आप काट भी सकती हैं और क्रोशिया से इसको छिपा भी सकती हैं। ये कंप्लीट ऐसे छिप जाएगी। चलिए अब मैं आपको इस पट्टी को सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये अपने आप ही इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पट्टी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।